आपका क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल विच हैज इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि देर आर टू सर्कल्स, तो दिस इज योर सर्कल वन एंड दिस इज योर सर्कल टू। ठीक है, तो देखो रेडियस कितना दे रखा है, 19 एंड 9, तो ये छोटा वाला है, तो वी विल राइट आर आर वन इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिस इज अनदर सर्कल, तो ये हमारा आर टू हो गया, दिस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो आर वन एंड आर टू। अब देखो इसने क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, तो दीस आर द सर्कल्स, तो सर्कल मीन्स एक दूसरा सर्कल भी हमारे पास में है, तो सपोज दिस इज दैट सर्कल। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, पहले क्या निकालना है, एरिया एंड रेडियस, तो इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। ठीक है, और एरिया भी निकालना है हमको, और देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स, दैट मींस इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस, तो वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर ए फॉर द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा, सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 2 पाई आर 1, 2 पाई आर 1 प्लस 2 पाई आर 2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, है ना। अब ये दोनों में देखो कॉमन इज व्हाट, 2 पाई इज कॉमन, तो हम उसको बाहर लिख लेते हैं, तो 2 पाई इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपका, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई दोनों साइड में है, इट विल गो आउट, तो आपका आर क्या बचा, R1 प्लस R2, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R1 इज 9 प्लस 19, तो कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, है ना, 28 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, दैट वी विल राइट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू डालो, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 28 इंटू 28, कट करो 7 के साथ, ये हो गया आपका 4 टाइम्स, तो नाउ 4 इंटू 22 इज वॉट 88, तो 88 इंटू 28, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर, तो 8 इंटू 8 इज 64, 6 कैरी 8 टू 16 प्लस 6 इज 22, अगेन सेम 2 2 4, तो आपका आंसर देखो कितना आ रहा है, 4 6 4 2, 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है।